7 महीनों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोरोना के केसेस इंडिया में एक दिन में 1 लाख के ऊपर रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की सेकेंड वेव के बाद ये पहला ऐसा दिन माना जा रहा है कि कोरोना के केसेस 1 लाख के ऊपर बढ़ चुके हैं। अभी आने वाले दिनों में और ऊपर जाने वाले हैं। ये केसेस 6 जनवरी 2022 को रिपोर्ट हुए हैं। इसी के साथ साथ ओमिक्रॉन के केसेस भी अगर हम देखते हैं तो 2000 के ऊपर उसका भी आंकड़ा पार हो चुका है। इन बढ़ते हुए केसेस को देख के सभी स्टेट वाले कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं ताकि कोरोना के केसेस थोड़ा कंट्रोल में आए, हमको थर्ड वेव देखने को ना मिले। ये वीडियो का मकसद आप लोगों को कोरोना के बढ़ते हुए केसेस दिखा के डराने का नहीं है। ये वीडियो का मकसद है आप लोगों को अवेयर करना, आप लोगों को ये बताना कि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अब हमको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। थर्ड वेव आने से पहले ही हमको सब कुछ कंट्रोल में कर लेना होगा, नहीं तो हमको बहुत ही डेडली थर्ड वेव देखने को मिल सकती है। अब मेन मुद्दे के पर आते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये कोरोना की थर्ड वेव को रोकने के लिए और बढ़ते हुए केसेस को रोकने के लिए हम सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और हमारा कंट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा। गवर्नमेंट, पब्लिक और हेल्थ सेक्टर जैसे कि डॉक्टर्स मिलके ये कोरोना वायरस की वेव को रोक सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनिए। कंपलसरी मास्क पहनना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको भी कोरोना वायरस होता है तो आप दूसरों को होने से बचा सकते हैं। साथ ही में कहीं भी आप अननेसेसरी बाहर मत जाइए। जो भी पार्टीज़ वगैरह अननेसेसरी पार्टीज सेलिब्रेशंस हो रहे हैं उसको कम कर दीजिए। जो भी आपके जो पार्टीज़ अगर आप जो भी फंक्शंस अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसको पोस्टपोन करिए कुछ टाइम तक। कोरोना वायरस को थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए। ये हम हमारे लेवल तक कर सकते हैं। एक एक आदमी सेफ रहना स्टार्ट कर देगा तो सभी लोग मास्क पहनना स्टार्ट करेंगे और सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। जो लोग भी वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं उनको वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए। अगर हम आम पब्लिक अपनी जगह खुद को भी सेफ करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट अपने लेवल पे क्या कर सकती है। सबसे पहला, जो भी हेल्थ सेक्टर में कमियां हुई थी उसको पूरा करना पड़ेगा। जो भी फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में हमको देखने को मिला था, जो भी हॉस्पिटल में कमियां हुई थी उसको हमको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। साथ ही में जो भी पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हैं, जो भी पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं, जो भी पॉलिटिकल फंक्शंस हो रहे हैं उनको सबको हमको शटडाउन करना पड़ेगा। पंजाब में इलेक्शंस हो रहे हैं, सभी लोग रैलीज पे रैलीज कर रहे हैं, अभी ये नहीं देख रहे हैं कि थर्ड वेव हमारे सामने आकर खड़ी है। अब सरकार को सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार अपने लेवल पे टेस्टिंग को इंक्रीज कर सकती है। जो भी स्टेट में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वहाँ से मूवमेंट को ज़रा कम करना पड़ेगा। जहाँ पे भी लोग वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं उस चीज़ को भी जो है ना थोड़ा रोक लगाने की ज़रूरत है। ऐसे हमको रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे जहाँ पे ज़्यादा कोविड के केसेस हैं वहाँ के लोगों को आने जाने में थोड़ा हमको रिस्ट्रिक्शंस लगाना ही पड़ेगा। अगर हम सभी स्टेट्स के बॉर्डर पे अगर मॉनिटर करना स्टार्ट कर देंगे तो ये स्टेट टू स्टेट नहीं फैलेगा। जिस स्टेट में फैल रहा है वहीं पे थोड़ा सा जो है ना प्रिकॉशन लेके उसको वहीं पे जो है ना खत्म कर सकते हैं। जो भी कोरोना वायरस के टेस्टिंग का प्रोसीजर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन का जो भी प्रोसीजर है उसको तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। जो भी बूस्टर डोज दे रहे हैं उसको भी तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि थर्ड वेव हमारे बिल्कुल सामने आके खड़ी है। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, जो भी फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव से हमने खोया है, जो भी हमें नुकसान हुआ है उस चीज़ को देखकर हमको थर्ड वेव के लिए सीखना पड़ेगा। हम पब्लिक को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। मास्क पहन के निकलिए बाहर कभी भी निकल रहे हैं, थर्ड वेव हम लोग नहीं झेल सकते। ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा लोगों को खो दिया है। अब थर्ड वेव में अब वो चीज़ अगर हमको रिपीट नहीं करना है तो हमको ही प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। तो अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का यूज़ करिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।